डिपार्टमेंट में बहुत सारे धांधलियाँ हो रहे हैं और हमने कुछ ऐसे चीज़ सर मिले हैं जो आरटीआई के तहत मैं निकाला हूँ। तो सबसे पहले तो तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ कॉरपोरेशन माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट में 6-7 डिपार्टमेंट्स आते हैं, सब डिविजन्स आते हैं, उसमें एक वक्फ बोर्ड आता उसके तहत, एक आपके उर्दू अकेडमी आती, एक आपके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन आता और दूसरे जो जैसे स्कीम्स है शादी मुबारक, ये तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल स्कूल जो चलाए जा रहे हैं वो भी आते हैं। तो देखिए जब तेलंगाना अलग हुआ, तेलंगाना अलग होने के बाद में सीएम साहब अपनी नेक नियति से तकरीबन पहला जो बजट है 400 करोड़ था उसको 800 करोड़ किए 2014-2015 में। जब मार्च एंडिंग हुआ फाइनेंशियल ईयर तो पहले साल का जो बजट है 800 करोड़ में से सिर्फ 200 करोड़ रुपये अखिलियतों पे खर्चा किए गए थे। फिर उसके बाद में सीएम साहब बोले कि पहला साल था तेलंगाना अलग हुआ, दूसरा साल आया 2015-2016, दूसरे साल में 1000 करोड़ रुपये का ऐलान किए, लेकिन फिर जब मार्च एंडिंग फाइनेंशियल ईयर आया तो फिर ये पता चला कि सिर्फ 300 करोड़ रुपये खर्चा किए गए 1000 करोड़ में से। और इसमें यह हुआ कि 300 करोड़ रुपये में पिछले दो साल की जो फीस रिइंबर्समेंट थी उसमें लिए गए। अब तीसरा साल आ गया 2016-2017, तो सीएम साहब ये बोले कि कुछ अखिलियती डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स काम सही नहीं कर रहे हैं की वजह से हम एक अच्छे आदमी को गवर्नमेंट एडवाइज़र और माइनॉरिटी इश्यूज बनाते, बोले जनाब ए के खान साहब जिसका ताल्लुक आंध्रा से है उनको जो है तेलंगाना का एडवाइज़र बनाए माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट में सीएम साहब को मशवरा देने के लिए। तो सबसे पहले हम सवाल ये किए कि तेलंगाना में 6 करोड़ मुसलमानों में क्या कोई भी एक आदमी काबिल ऐसा नहीं मिला कि आप जाके आंध्रा से एक ऑफिसर को लाके माइनॉरिटी एडवाइज़र बनाएं आपको, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हुई कि जो शख्स हमारे कल्चर से वाकिफ़ नहीं है, तेलंगाना की रीति से वाकिफ़ नहीं है, वैसे आदमी को लाके आप माइनॉरिटीज़ वेलफेयर एडवाइज़र बना दिए तो कोई काम होने वाला नहीं है। अब आप देखिए कि सबसे पहले जो अखिलियती फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसके अंदर जो धांधलियाँ हो रही मैं बतलाना चाहता हूँ। माइनॉरिटीज़ तेलंगाना स्टेट माइनॉरिटीज़ फाइनेंस कॉरपोरेशन में सबसे पहले ये बोले कि बल्दिया इलेक्शन से पहले हम लोन्स देंगे अखिलियतों को, हम आटोज देंगे अखिलियतों को, बल्कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान किए। उसके बाद में तकरीबन 1 लाख दरख्वास्त वसूल करे ये लोग, 1 लाख दरख्वास्त वसूल हुए। 1 लाख दरख्वास्त में सिर्फ मेरे पास जो रिकॉर्ड है कि सिर्फ 4000 लोगों को माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन से लोन दिया गया, वो भी अभी जो है उनको लोन नहीं हुआ। जैसा इसमें यह है कि अगर 50,000 रुपये अगर कोई लोन दे रहा है मांग रहा है तो 20,000 जो है कैंडिडेट शेयर रहता, 20,000 जो है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन वाले देना, 10,000 जो है बैंक देता उसमें। तो 20,000 जो माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन देते टोटल 20,000 नहीं देते, ये लोग 15,000-16,000 देते, बैंक जो 20,000 देने का है वो कैंडिडेट अपने 20,000 अकाउंट में डाल के बैठ जाना, बैंक जो है 10,000 रुपये जो देने का है वो फिरा फिरा के, पहले तो मुसलमानों को कोई बैंक लोन नहीं देता, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं देता, अब ये स्कीम को कामयाब करने के लिए बैंक की गारंटी होना पड़ता। तो इसमें जो है कि कुछ एरियाज को ब्लैक लिस्ट करके रखते उसमें, तो ये लोन ही नहीं मिला इन लोगों को। अब उसके बाद में ये हुआ कि कुछ दिन के लिए हमारे उमर जलील साहब इसके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के इंचार्ज थे, नए चेयरमैन साहब आ गए और वहाँ पर एक एमडी भी है, लेकिन वहाँ का जो स्टाफ है 8 स्टाफ, 2 ड्राइवर, 1 डेटा ऑपरेटर, 1 जूनियर असिस्टेंट, 1 व्हीकल, ये जो है हमारे तेलंगाना माइनॉरिटीज वेलफेयर डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी उमर जलील साहब के मकान पे इस्तेमाल हो रहा है। तो आप बतलाइए कि माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन का तमाम अमला, तमाम गाड़ियाँ हमारे उमर जलील साहब के घर पे इस्तेमाल हो रहे, तो इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। कई मरतबा मैं चेयरमैन साहब को, हमारे माइनॉरिटी फाइनेंस चेयरमैन साहब को इस बात पे इतला किया। फिर उसके बाद में जो लोन्स का मैं बोला कि लोन्स के लिए, अब आप उर्दू अकेडमी देखिए, जो उर्दू अकेडमी इसके तहत चल रही है, नहीं नहीं माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन में एक और घपला हो रहा,
ट्रेनिंग देते बोल रहे हैं लोग, 3 साल से हम ट्रेनिंग दे रहे हैं बोल के तकरीबन 30 करोड़ रुपए पैसे इसके ऊपर खर्चा कर दिए। तो 30 करोड़ रुपए किस पे ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी को नहीं मालूम। आप जाके अखिलियती कि हम नर्सेस की ट्रेनिंग दे रहे हैं बोल रहे हैं, एक सियासी जमात के मेडिकल कॉलेज को तकरीबन अब तक 1-2 करोड़ रुपए पेमेंट कर दिए, फिर बोल रहे हैं कि हम ट्रेनिंग दे रहे हैं गर्ल्स को, मुस्लिम गर्ल्स को हम ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप लिस्ट जारी करिए, वहाँ पर एक MD है शफीउल्लाह साहब, IFS है, हम उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप ट्रेनिंग में ये जो धांधलियाँ हो रही हैं, तकरीबन 40 करोड़ रुपए के धांधलियाँ हैं ट्रेनिंग में, ट्रेनिंग के नाम पे बच्चों को ड्राइविंग सिखा के हम अखिलियती बच्चों को ड्राइविंग लाइसेंस देते बोल रहे हैं। आज बतलाइए कौन से पुराने शहर के या कौन से अजला के बच्चे को आप गाड़ी चलाना सिखा के जिसको लाइसेंस दिला रहे हैं आप, कोई लिस्ट नहीं है। फिर उसके बाद में ये बोल रहे हैं कि यानी अगर आप अखिलियती कॉरपोरेशन की लिस्ट देखें ट्रेनिंग की, तो वो लोग दावा कर रहे हैं कि हम 110 ट्रेनिंग सेंटर्स चला रहे हैं बोल के। अब परसों देखिए आपके उर्दू एक ये जो कंप्यूटर सेंटर्स खोलते बोले हम, कंप्यूटर सेंटर्स अगर खोलने के लिए तो इसमें जो है कि गवर्नमेंट ई मार्केट जेम बोल के रहता, गवर्नमेंट ई मार्केट से आप मटेरियल खरीदना पूरा। लेकिन अब मैं ये बात बोला तो सबको चुरका लग रहा कि हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब के एक करीबी आदमी और हमारे AK खान साहब के करीबी आदमी को पूरे कंप्यूटर्स सप्लाई करने का ऑर्डर दे दिए विदाउट एनी टेंडर, विदाउट एनी नोटिफिकेशन, कोई अखबार का ऐड नहीं आया, उसको उठा के दे दिए। वो कंप्यूटर्स जो लगाए सेंटर्स में वो 6 महीने नहीं चलते, वो कंप्यूटर्स ख़राब हो जाते, ये कंप्यूटर सेंटर्स का हिस्सा है। और आपके जो आउटसोर्सिंग जो अखिलियती मालियाती कॉरपोरेशन में आउटसोर्सिंग के लिए एक SSV इंटरप्राइजेस बोल के है, इन्हें जो है 170 एम्प्लॉइज का पैसा उठा रहा उन्हें कि मैं 170 एम्प्लॉइज सप्लाई कर रहा हूँ बोल के, लेकिन ऑन ग्राउंड ऑन रोल जो है सिर्फ 82 आदमी को भेज रहा है। तो बाकी के इतने लोगों के पैसे उठा के इन्हें खा ले रहा, ये पूरे ईमानदार ऑफिसर हैं AK खान साहब, उमर जलील, शफीउल्लाह, IFS, ये पूरे 3 ईमानदार ऑफिसर क्या कर रहे हैं बतलाइए आप। फिर तीसरी चीज़ ये है कि वहाँ पर ये एक रिटायर्ड आदमी है विलायत हुसैन, जिनके ऊपर कई करप्शन एलिगेशंस लगे, उनके ऊपर कई इंक्वायरियां भी हुए, वैसे आदमी को OSD बोल के डाले, लाके OSD डाल के उनको 1 लाख रुपए तनख्वाह दे रहे हैं उनको। आप बतलाइए कि क्या जो अखिलियती बजट आ रहा है इनको तनख्वाह देने क्या जरूरत है बोलिए, ऐसे जराइम पेशा आदमी को लाके वहां पर OSD बना के रखे वहां पर। और आपके ये ट्रेनिंग उर्दू एकेडमी की बात है, उर्दू एकेडमी में के वहाँ पर जो है लाइब्रेरीज चला रहे बोले। मेरे पास एक और एक है कि एक करीम नगर और एक वरंगल में, वहाँ पर कोई MLA के दबाव में आके एक तकरीबन 5 लाख रुपए उर्दू एकेडमी की लाइब्रेरी के लिए फर्नीचर के लिए सैंक्शन किए, करीम नगर और वरंगल दो जगह, करीम नगर के MLA के। तो वहाँ पर मेंटेनेंस के लिए ये अमाउंट क्यों सैंक्शन किया, 2.5 लाख रुपए एक जगह करें, 4 लाख रुपए एक जगह करें। तो मेरा मुतालिबा ये है कि चीफ मिनिस्टर KCR साहब का, अब जैसा टिमरी से देखिए आप, इस सेंटर में तकरीबन 30-40 बच्चे बीमार हो गए, बॉडी पे रैश आ रहा, ये अनहाइजीनिक कंडीशंस में बच्चों को रख रहे, खाली एक हवा है कि CM साहब 170 स्कूल खोल दिए, CM साहब 200 स्कूल खोल दिए, इधर हमारे MIM के लीडर्स भी तारीफ कर रहे हैं, उधर हमारे डिप्टी CM साहब तारीफ कर रहे हैं और कोई ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन ऑन ग्राउंड टिमरिस का जो बजट है 80 करोड़ रुपए बजट है टिमरिस में, 80 करोड़ स्पेंड करे बोल के बता रहे हैं। जैसा आप एक और एक मिसाल देता हूं मैं कि जो स्कूल्स में है रोजाना बच्चों को एक अंडा और एक मौस देने का है, लेकिन एक दिन अंडा दे रहे हैं एक दिन मौस दे रहे हैं, ये एक धांधलियां हो रही। और जो ड्रेस है बच्चों का, ये जो टिमरिस के 172 स्कूल्स में से आधे स्कूल्स का आर्डर जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर के दामाद को है, आधा जो है किसी दूसरे एक हमारे CM पेशी से कोई रिकमेंड लाया एक बच्चा उसको दे दिए पूरे। आज तकरीबन कई दिन से वहाँ पर टिमरिस में धांधलियाँ चल रही। रमेश जैन नाम है जो AK खान साहब का बहुत करीबी आदमी है, खालिद और असद ये हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब के एक दामाद है और एक दामाद के भाई है, और एक संतोष बोल के कोई CM पेशी से फोन करा के टिमरिस का पूरा ऑर्डर ले लिए। आउट ऑफ 135 206 स्कूलों में से एक रमेश को 71 स्कूल्स का। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि भाई आप टेंडर क्यों नहीं बुला रहे हैं, आप ये बैठ के तरकारी भाजी की दुकान बोल के जिसमें दिल में आया वो ऑर्डर दे दे रहे हैं। बिल्कुल लो क्वालिटी के जितने टिमरिस के स्कूलों में फर्नीचर भेजे,
जितने अलमारीज भेजे, जितने भी जो भी आइटम भेज रहे, पूरा लो क्वालिटी का है वहां पर। अब रही बात, आप ये पूछ रहे थे कि मुसलमानों को लोन क्यों नहीं दिया जाता, तो मुस्लिम्स को बोल के नहीं रहता, कुछ एरियों को ब्लैक लिस्ट कर दिए ये लोग, यानी ओल्ड सिटी के कुछ एरियाज है उनको ब्लैक लिस्ट कर दिए, सईदाबाद, अकबरबाग, चंचलगुड़ा, याकूतपुरा, आप जाके डालिए वहां पर, कोई क्रेडिट कार्ड देता क्या देखिए, कोई लोन देता क्या देखिए। जब कोई गवर्नमेंट अपनी स्कीम इंप्लीमेंट कर रही तो बैंक्स को जबरदस्ती दिलाना अखिलियतों को लोन। अब फिर परसों में एक ऐलान आया कि सीएम साहब जो है डायरेक्ट लोनिंग देंगे बोल के, यानी अब इसमें बैंक का नहीं रहेगा, डायरेक्ट लोनिंग देंगे, उसमें भी 40-50% सब्सिडी रहेंगी, और कुछ कार्स दे रही बच्चों को चलाने के लिए, गाड़ियां दे रही बोले। तो अब फिर हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ऐलान करे और हमारे शफीउल्लाह साहब ये ऐलान करे कि ऑलरेडी हमारे कहने 1000 दरखास्त आ गए, हम 500 सैंक्शन कर दिए। आप मुझे बतलाइए कि चीफ मिनिस्टर ऐलान करे सो 3 दिन में आप कहने 1000 दरखास्त कैसा आ गए और 500 कैसा ऐलान कर दिए। यानी स्कीम जो है पब्लिक में आने से पहले ये तय हो रहा है कि कौन से लीडर के बेटे को, कौन से पार्टी के कार्यकर्ता को। ओल्ड सिटी में है MIM के वर्कर्स की जय हो रही, दूसरे डिस्ट्रिक्टों में सिर्फ जो TRS से रिलेटेड है उनको गाड़ियां देने का वादा किया गया है और गाड़ियां दे रहे हैं। तो इसमें हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से मैं मुतालिबा करता हूं कि अगर आप सच्चे आदमी हैं, अगर आप वाकई मुसलमानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, तो ये तीनों ऑफिसर्स को पहले हटा दीजिए। AK खान बिल्कुल 1% ही इज अनफिट टू बी एडवाइजर। उमर जलील साहब दिखने में तो बेचारे बहुत ईमानदार है, लेकिन मैं उनको बल्दिया से, हम बल्दिया खुली कुतुब शाह से हम जानते हैं उनको, उनके कितने करप्शन एक्टिविटीज है हम जानते हैं। शफीउल्लाह साहब पहले बहुत अच्छे आदमी थे, लेकिन विलायत हुसैन की मार में आके उनके ऊपर भी करप्शन एलिगेशन लग रहे हैं। चीफ मिनिस्टर से हमारा मुतालिबा है कि तीनों ऑफिसर्स को हटाइए, नए लोगों को लाइए। अब देखिए कि MIM के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी खुद परसों असेंबली में ये बोल रहे हैं कि अकलियतों को लोन सही नहीं मिल रहा, अकलियती बजट सही इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो आप 3 साल से TRS MIM दोनों मिलकर हुकूमत चला रही, आपके मुंह में निप्पल था क्या बतलाइए? जो खयादत हवाओं में बो सुनकर यह कह सकती है कि बारिश होने वाली है, आज आपको 3 साल के बाद में यह पता चल रहा है कि अकलियतों के साथ अकलियती बजट इस्तेमाल नहीं हुआ। आप फ्लोर में असेंबली पे ठहर के मगरमच्छ के आंसू रो रहे हैं आप, फिर आपके बड़े भाई जो है रोजाना ट्विटर पे तारीफ कर रहे हैं कि CM KCR साहब बहुत अच्छा काम करे, CM साहब मैं बोला सो आधे घंटे में IT कॉरिडोर सैंक्शन कर दे रही। ये दोनों की मिली भगत है, तू मेरी तारीफ कर मैं तेरी तारीफ करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अल्लाह ने इनके मुंह से सच्चा बोल लगाया असेंबली में। तो मैं चाहता हूँ कि अकबरुद्दीन ओवैसी जो तकरीर किए ना आप, उस तकरीर पे अमल करते हुए TRS से अपना नाता तोड़ दीजिए, वरना जो नांदेड़ में हुआ वो हैदराबाद में भी हो सकता है।